हाय एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर टेन पावरफुल मूव एक्सरसाइज ओके सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस द गेम ऑफ चेस वाज इन्वेंटेड बाय जो गेम था चेस चेस का वो किसने इन्वेंट किया था सीसा ने एंड द योर सेकेंड आंसर क्वेश्चन इज द किंग वॉन्टेड The wise man to come to his court because he wanted to. तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा आपका रिवार्ड ही इसमें क्या पूछा गया कि जो किंग चाहता था कि जो वाइज आदमी है वाइज मैन है वो क्या करे उसके कोर्ट में आए किस लिए क्योंकि वो चाहता था किसको रिवार्ड देना चाहता था किसको जो शीशा नाम का व्यक्ति था जिसने किसको इन्वेंट किया था चेस को और वो उसको इनाम देना चाहता था कौन देना चाहता था किंग डिड सीसा सी फ्रॉम द किंग सीसा नाम का जो व्यक्ति था वो राजा से क्या चाहता था वीट ग्रेन ऑफ लैंड सम गोल्ड कॉइन्स वो क्या चाहता था वीट ग्रेन लुक योर एक्सरसाइज फर्स्ट फाइंड टू स्नोनियम्स फॉर दीज वर्ड्स तो यहां आपका फर्स्ट है इन्वेंटर तो इसका आप सुनो नियम क्या बनाओगे फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएटर सेकेंड आपका क्या है रिवार्ड रिवार्ड के सुनो अवार्ड एंड प्राइज अब स्कोल को ले लेते हैं पेपर एंड पार्चमेंट क्या आएगा पेपर और क्या है पार्चमेंट नेक्स्ट देखते हैं आप सरप्राइज इसका अमेज और एस्टोनिस क्या आएगा अमेज एस्टोनिस एंड थंडर्ड का देखते हैं रोयर्ड एंड शाउटेड रोयर्ड एंड शाउटेड वाइज का इन एंड प्रूडेंट इनसाइटफुल एंड प्रूडेंट यस प्ले अप प्ले अप का वर्ड मीनिंग जो है आपका क्या रहेगा एम्फेसाइज इट किसी को फोर्स करना एंड ट्राई टू मेक पीपल बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट ठीक है किसी को एम्फेसाइज करना कि ये क्या है इम्पोर्टेंट है फोर्थ देखते हैं वी वर आस्ड टू प्ले अगेंस्ट द विजिटिंग टीम इन द टूर्नामेंट तो आपका क्या है प्ले अगेंस्ट प्ले अगेंस्ट का मीनिंग क्या होगा मेक दैम कम्पीट किसको करना कम्पीट करना किसी को और आर्ग्यू सो दैट यू गेन सम एडवेंच ओके okay. किसको क्या कंपीट करना और आर्ग्यू करना नेक्स्ट देखते हैं द टीचर आज द स्टूडेंट टू स्टॉप प्लेइंग अराउंड एंड गेट बैक टू वर्क अब जो प्लेइंग अराउंड है इसका मीनिंग आपका क्या रहेगा प्लेइंग किसका प्लेइंग अराउंड का तो टू बिहेव और ट्रीट समथिंग इन अ केयरलेस वे किसी भी काम को क्या करना लापरवाही के तरीके से करना नेक्स्ट देखते हैं आपका आई डिसाइडेड टू आई डिसाइडेड टू प्ले अलोंग विद माई फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द देश क्लास तो आपका क्या रहेगा प्ले अलोंग प्ले अलोंग का मीनिंग क्या होगा टू एग्री टू डू भाई किसी भी काम को करने के लिए सहमत होना और स्वीकार करना वट अदर पीपल वॉन्ट कि जो दूसरे लोग जो चाहते हैं उसके प्रति क्या करना सहमत हो जाना नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ द टू टीम विल प्ले ऑफ़ ऑन मंडे टू डिसाइड हु विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल तो प्ले ऑफ जो है इसका फ्रेजल वर्ब इसका मीनिंग क्या होगा आपका टू यूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन एडवेंटेज किसी चीज़ का क्या करना यूज़ करना ऑर्डर को और क्या करने के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए अब नेक्स्ट देखते हैं द सिंगर आज द म्यूजिशियन सिंगर आज द म्यूजिशियन टू प्ले बैक अब प्ले बैक का आपका जो है मीनिंग क्या रहेगा एन एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूस रिकॉर्डेड साउंड एक ऐसा काम जो क्या करे रिकॉर्डेड साउंड को रिप्रोड्यूस करे और आप पिक्चर का भी कह सकते हो जिसका इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग तो दिस एक्सरसाइज इज डन नाव लुक येक्स एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्री पोजिशन देखिये यहां कुछ ऑप्शन uh, दिए गए हैं आपके डू नॉट प्ले विद फायर क्या आएगा यहां विद फायर द रेट वॉज चेस्ट बाय आ कैट क्या आएगा यहां बाय आ कैट द हॉर्स जंप्ड ओवर द फैंस क्या किया ओवर द फैंस माई ग्रैनी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स माई ग्रैनी इज क्या पसंद करती हैं ऑफ़ चॉकलेट्स आई हैव नाट मेट माई कजन सिंस टू थाउजेंड सिक्स ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम मीट मी एट द कैफ ऑपोजिट द पार्क ऑपोजिट विपरीत उसमें क्या है ये ओपोजिट माई सिस्टर जम्प्ड इन टू द स्विमिंग पूल जम्पड इन टू द स्विमिंग पूल जो चीज़ क्या होती है मोशन में होती है आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट किसके दौरान ड्यूरिंग द फ्लाइट हिज पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट हिज परफॉर्मेंस अबाउट मीन के बारे में आई वुड यू लाइक टू वॉक डाउन द रोड टू दिल्क बूथ विद मी तो क्या आ जाएगा डाउन दिस एक्सरसाइज इज डन अब बी एक्सरसाइज देखते हैं आइडेंटिफाई द वॉइस इन दी सेंटेंस दैन चेंज द वॉयस भाई यहां जो है आपकी वॉइस दी गई है उनको आपको किसमें चेंज करना है वो इसमें इसमें देखिए यहाँ क्या है आपकी सेकंड फॉर्म दिए अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा आपका वॉज और वर अब इसमें देखिए आ न्यू वॉच क्या करेंगे सब्जेक्ट को ये आई क्या है आपका सब्जेक्ट और आ न्यू वॉच आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपकी वर्ब अगर वर्ब सेकंड हो तो सेकंड yes, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यस वॉज और वर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट अब यहाँ जो सब्जेक्ट है हमने चेंज किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ तो आ न्यू वॉच बन गया हमारा तो ये क्या है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा वॉच देखिए आ न्यू वॉच वॉच बोट बाय मी बोट बाय मी आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो होगी वो क्या होगी मी नेक्स्ट देखते हैं द पुलिस अरेस्टेड फिर से सेकेंड फॉर्म दी है तो फिर क्या लगेगा वॉच और वर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट द थीप क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और यह सब्जेक्ट क्या है आपका पुलिस द थीप वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस और ऑलवेज क्या लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप किस में यूज करोगे पेसीव वॉयस में मदर वॉज प्रिपेयरिंग अब ये यहाँ देखिए आपका कौन सा है पास कॉन्टीन्यूस टेंस है तो क्या लगेगा बींग है ना तो देखिए मदर डिनर तो डिनर वॉज बींग डिनर क्या था ऑब्जेक्ट डिनर को सब्जेक्ट से चेंज किया डिनर वॉज बींग प्रीपेयर्ड बाय मदर मदर क्या था हमारा सब्जेक्ट अब यहाँ क्या हो गया ऑब्जेक्ट नेक्स्ट देखते हैं द फार्मर प्ल द फील्ड सेकेंड फॉर्म अगर सेकेंड है तो वॉज वर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा द फील्ड द फील्ड वॉज प्लव्ड बाय द फार्मर द फील्ड वॉज प्ल बाय द फॉर फार्मर ओके नेक्स्ट देखते हैं द वॉचमैन ओपन द डोर क्या है वॉचमैन सब्जेक्ट द डोर क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किससे बदल देंगे इस सब्जेक्ट से अगर मैं अपना सब्जेक्ट यहाँ लेके आई तो क्या बन गया द डोर वॉज ओपनड बाय द वॉचमैन क्या बन गया द डोर वॉज ओपनड बाय द वॉचमैन दिस बुक वॉज पब्लिश बाय कुलिन लर्निंग यहाँ देखिए बाय लिखा हुआ है के द्वारा लिखी गई अब देखिए तो यहां से लगाएंगे कुलेंस लर्निंग पब्लिस ये क्या है कुलेंस लर्निंग published दिस बुक किसने किया इसको पब्लिश कुलेंस लर्निंग ने किया ये नाम है कुलेंस लर्निंग पब्लिश दिस बुक तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे एक्टिव से पेशिव में पेशिव से एक्टिव में द सोल्जर्स विल भी अवॉर्डिड फॉर देयर ब्रेवरी तो ये क्या है द प्रेजिडेंट तो यहीं से आपका होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट द प्रेजिडेंट विल अवारड द सोल्जर्स फोर देयर ब्रेवरी क्या आएगा द प्रेजिडेंट विल अवॉर्डिड दोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरी नेक्स्ट देखते हैं नेहा पेरेंट्स गिफ्टेड हर अ कैमरा फॉर हर गुड परफॉर्मेंस तो यहाँ देखिए मैंने लिखा नेहा वाज गिफ्टेड अ कैमरा बाय हर पेरेंट्स फॉर हर गुड परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम गुड परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम ओके नेक्स्ट देखिए लिसन टू अ पैसेज ये लिसनिंग और स्पीकिंग है यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं देखिए इसमें वैन वॉज द विश्वनाथन आनंद बोर्न कब हुआ तो मैंने देखिए कम्प्लीटली लिखा है विश्वनाथन आनंद वॉज बोर्न ऑन इलेवन दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी नाइन कब हुआ नाइनटीन सिक्सटी नाइन नेक्स्ट देखते हैं आपका हु इंट्रोड्यूस आनंद टू चेस तो आनंद मदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था आनंद की मदर ने तो आनंद मदर सुशीला और मदर का नाम क्या था सुशीला इंट्रोड्यूस हिम टू चेस ओके नेक्स्ट देखते हैं वेयर डिड आनंद लर्न एंट्री सर ऑफ द गेम तो यहाँ क्या आएगा आनंद लर्न द एंट्रीज ऑफ द गेम इन मनीला क्या है इन मनीला फिलिप्स क्या आएगा मनीला फिलिप देखिए स्पेलिंग ध्यान से एम ए एन आई एल ए और फिलिप पी एच आई एल आई डबल पी फिलिपींस ओके क्या है डबल पी आई एन ई एस फिलिपींस अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ हाउ ओल्ड वॉज आनंद वेन ही फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग चेस भाई आनंद ने कब ये जो चेस का गेम था खेलना शुरू किया उसकी उम्र क्या थी आनंद वॉज सिक्स ईयर ओल्ड भाई ओनली वह छः साल का था जब उसने क्या किया ही फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग चेस उसने चेस खेलना शुरू किया था विच चैम्पियनशिप डिड आनंद विन बाय द टाइम ही वॉज फोर्टीन भाई जब वो फोर्टीन ईयर का था तो आनंद ने कौन से उसको प्राप्त किया था चैंपियनशिप थी उसको जीता था तो आनंद वॉन द इंडियन नेशनल ये नेम है आपका मेन इंडियन नेशनल सब जूनियर चैंप चैम्पियनशिप तो इंडियन नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप बाय द टाइम ही वॉज फोर्टीन ये भी आपको इसके अंदर ऐड करना है फिर क्या बन आपका कंप्लीट आंसर नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी टाइम्स डिड आनंद विन द नेशनल प्राइमर चेस चैंपियनशिप कितनी बार जीता तो विन का क्या करोगे आप वन हो जाएगा आनंद वन द नेशनल premier चेस championship टूर्नामेंट थ्री टाइम कितनी बार जीता ये देखिए हमारे कौन है आनंद और उन्होंने कितनी बार जीता थ्री टाइम्स सिक्स ईयर की एज में ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और जन्म कब है 1969 और इनकी मदर ने ही इनको सिखाया और उन मदर का नाम क्या था सुशीला देखिए नेक्स्ट देखते हैं इन विच ईयर डिड आनंद विन द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर यस टाइटल कब जीता भाई तो कंप्लीट बनाओगे आनंद वॉर्न द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल इन नाइनटीन एटी एट नाइनटीन एटी एट नेम द टू फेमस चेस चैम्पियन होम आनंद डिफिटिड इन नाइनटीन नाइन्टी वन तो ये देखिए टू फेमस जो नेम है द टू फेमस चेस चैम्पियन आनंद डिफिटिड इन नाइनटीन नाइन्टी वन वर कौन कौन yes, है उनको हराया था यस गैरी जी ए आर वाई कास्पैरो एंड अनाटोली कापो ठीक है तो ये नेम थे ओके थैंक्स एवरी यस बेटा अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने आज बच्चों ने इसमें रोल प्ले किया है आज हमने एक, एक, एक एक्ट किया था स्कूल में तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे से डाला हुआ है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओके वंस अगेन थैंक्स